हेलो दोस्तों, हमारे वीडियोज को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे कि हमको रियाज का शुरुआत कैसे करना है और जितने भी सारे अलंकार हैं उसको कैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, जो कि एक प्रूवन और साइंटिफिक मेथड है। और इस मेथड को हर कोई स्टूडेंट अपने रियाज में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसी मेथड से ही जो आपका गले का सुर है वो निखर के आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस किस प्रोसेस से रियाज किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि जो जितने भी सारे प्रोसेस हैं माँ सरस्वती देवी की कृपा से ही संगीत शुरू किया जाता है, लेकिन संगीत का जो शुरुआत वो आदि शब्द ओम से होना चाहिए। तो हम सी शार्प्स के स्केल से देखेंगे कि एक छोटा सा अलंकार को लेंगे और उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसको चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो बोल रहेगा वो ओम से शुरू होगा। एक लंबी सांस अंदर लेंगे, उसके बाद सांस खत्म होने तक हम ओम का उच्चारण करते रहेंगे। तो पहला हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस है हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए हम आरोह अवरोह बिलावल थाट का देखते हैं। और इस आरोह अवरोह भी एक अलंकार है, तो हमको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। हम पा तक जाएंगे, पा से वापस आएंगे। तो पहला जो है शब्द से बोला सारे गामा पा, अभी इसी को हम आकार में करेंगे। अभी इसी को हम एडवांस लेवल तक लेके सा को कंटिन्यूअस प्रेस करके रखेंगे। पहले हम सा बोलेंगे, उसके बाद आ बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सा किसी भी अलंकार का तीसरा स्टेप। अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
जिसको हर शास्त्रीय संगीत और संगीत सीखने वाले विद्यार्थी करने चाहिए, वो लास्ट पद्धति जो है हमको हमिंग साउंड से प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब हमारा मुंह बंद रहेगा और हम ओम का उच्चारण हमिंग साउंड कंपन से ही करेंगे, मुंह नहीं खुलेगा, हमारा मुंह खुलना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। किसी भी अलंकार अगर हमको मिलता है, उस अलंकार को हम इस चारों पद्धति से प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो श्रुति है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, उसमें अच्छे से नोट्स जो हमारे लग जाते हैं। और श्रुति ये चारों पद्धति करने के बाद किसी भी अलंकार में क्लियर हो जाता है। अगर हमारे क्लियर अलंकार क्लियर हो जाएंगे तो हमारा सुर जो है वो निखर के आएगा, गला अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, गले तैयार हो जाएगा और वॉइस कल्चर इसी को ही बोलते हैं। और ये चीज आपके वॉइस कल्चर को इतने ऊंचे लेवल तक ले जाएगा और इतने कम समय में ले जाएगा, आप एक दो महीना प्रैक्टिस तो करके देख लीजिए इसी चीज को, जो चारों स्टेप मैंने बताया उस अलंकार के लिए, उस चारों चीजों को आप करके देख लीजिएगा, एक महीने के अंदर आपको तुरंत ही फर्क नजर आने लगेगा। ये करने की विद्या है, 10 दिन 7 दिन में ये नहीं आता। और रियाज का वक्त कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए, आपको रियाज का जो वक्त है उसको कंस्टेंट रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेसन्स में मैं अलंकार अपलोड करता रहूँगा। और मेरा जो एम है, मैं 1000 अलंकार अपलोड करता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो पद्धति है इसको प्रैक्टिस करते रहें, इसी पद्धति से ही वॉइस कल्चर जो है वो अच्छे से निखर के आता है। ये ओनली म्यूजिकली स्टूडेंट्स जो है, जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनके लिए नहीं, जो अच्छे डिबेट देना चाहते हैं, जो अपने वॉइस को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, जो अपने आवाज़ को सुसंगत करना चाहते हैं और मीठा बोल बोलने के लिए, ये जो चारों पद्धति है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। पहले हमको सा रे गा मा पा, पा मा गा रे सा, ऐसे करना है। पॉइंट नंबर 2 हमको आकार में प्रैक्टिस करना है। पॉइंट नंबर 3 हमको सा आ आ मतलब अक्षर और आ का आवाज, सा आ आ ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। और लास्टली हमको हमिंग साउंड करके प्रैक्टिस करना है, किसी भी अलंकार मिल जाए तो। आप देखिएगा कि इसी चीज का टेक्निक आपके रियाज के ऊपर बहुत अच्छे से आएगा। तो आज के लिए लेसन के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर लेसन पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगले अलंकार के लेसन्स के लिए। धन्यवाद।